बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर अकाउंटेंट। मेरी एक टेक्सटाइल मिल भी है। ये हमारा इलाका है डिफेंस फेस 4 जहाँ हम रहते हैं अभी। और मैंने सोलार इसलिए लगवाया कि कुछ दिनों पहले हमारे बिल कुछ बहुत बढ़ गए थे। हमने हमारी फैक्ट्री में भी किसी सोलर वाले को पहले बुलाया था, तो हमने कहा चलो पहले घर पे लगाते हैं फिर फैक्ट्री पे ये काम करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ ये सोलार लगाया। और सोलार लगाने का एक और रीज़न भी ये था कि हम कहें कि चलो भाई सोलार लगाओ तो एक कंट्री का भी भला है कि कुछ बिजली बचेगी तो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो हमने कहा चलो सोलार लगा लेते हैं। फिर आपका ये सेल्स मैनेजर, तो उसने हमें कन्विंस किया कि इकबाल साहब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आपको जो आप जिस तरह कहेंगे इस तरह कहेंगे। तो बोला आप जरा भी फिक्र ना करें, अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो हम बैठे। हमारे तौर पे एलिवेटेड बनवाया कि भाई हम छत को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे छत पे स्काई लाइट्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो हमने सारी चीज़ें उनको ड्राइंग भी मोस्टली वो जैसे ड्राइंग भेजते रहे तो हम उनको अमेंडमेंट करके ड्राइंग भी बताते रहे कि भाई यहाँ लगाओगे इस तरह करोगे। टीम मेंबर आते थे, वो बंदा अपने आप को कह रहा था आई एम एन इंजीनियर, क्या मैं ये सारी सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। और अभी भी मुझे वो कंप्यूटर में शायद कुछ वो देखे गया है, हाँ कि भाई आप यूँ करोगे तो आपको पता चलेगा क्या, और मैं भी आपकी सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। आपकी टीम माशाल्लाह अच्छी थी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई उनसे। सिस्टम की कैपेसिटी हमारी 15 किलोवाट। इन लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि आपके जो बिल हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से इतनी होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है 100 लाइट। आपकी टीम मस्त, मैंने कहा ना आपकी टीम के बंदे बहुत अच्छे, जो स्ट्रक्चर बनाने वाला आया वो ड्राइंग भी हमें भेजते रही आपके यहाँ से हमारी छत का और सबका। तो फिर उसने जो एक ड्राइंग बना के भेजी तो आई एक्सेप्ट दैट ड्राइंग और इसके मुताबिक लगाया। फिर थोड़े दिनों के बाद इन लोगों ने एक वायरिंग की ड्राइंग भी बना के भेजी कि भाई यही वायरिंग यहाँ से चलेगी, यूं मीटर में आएगी। आपकी टीम हमें नेट मीटरिंग समझा गई है कि भाई आपकी दिन में बिजली एक्स्ट्रा होगी तो केसी में जाएगी, रात को आपको मिलेगी, उसके कुछ रेट्स हैं। तो वक्तन वक्तन केसी वाले वो रेट चेंज करते रहते हैं, तो जब फाइनल होगा तो आपको एक्चुअल रेट मिलेगा। और दिन में आपका हमारा कंजम्पशन शायद बहुत कम है, आप देख रहे हो ना, रात को थोड़े ज़्यादा यूज होता है। तो बोले दिन में वो आपकी बिजली उनके सिस्टम में जाएगी और रात को आपको मिलेगी, और आपकी जो बिलिंग है वो अराउंड 50% कम हो जाएगी मिनिमम, वो कह के गए थे। तो अभी तक तो आप लोगों के जो बंदे आए ना, वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड। लेट्स मेक गॉड हैप्पी।